नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। अभी हम भागलपुर के लोहा पट्टी में हैं और वहां पे एक दुकान है जिसका जो ओनर है वो कवि है। हमें मालूम चला कि ये कवि है तो हम इनके पास आ गए। गायत्री माता को मैंने कोई भी सुना दीजिए। चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सोहन मंडल है और मैं इसी जिले का भागलपुर जिले का एक मोहल्ला इसाबचक वहीं का रहने वाला हूँ। तो इसाबचक आपका प्रॉपर घर है या कहीं से आके? नहीं नहीं, मेरा प्रॉपर घर है, मैं जाना था। तो आपका बचपना किस तरह से भी? अरे बचपना याद करें तो फिर आंखों में लाली छा जाएगी। बचपन आप सुंदर भी था, खूब मिलते थे, खूब उछलते थे, मौज मस्ती करते थे, सब कुछ नहीं, वो बचपना जैसा होता है। ये कविता लिखने का शौक बचपन से था या बाद में? ये कविता लिखने का शौक तो चूँकि हिंदी मेरा प्रिय विषय रहा और उसी की कृपा हुई कि मैं कुछ किताब का लिखना शुरू किया। लेकिन ये लिखने का जबरदस्त बढ़ोतरी 2008 से। अच्छा, 2008 जब हम लोग शिव भाई मंदिर निर्माण करते मंदिर निर्माण लगे तो उस समय मेरे मन में पता नहीं कि आज मेरे बाद कृपा हुई कि मैं उसमें वाज भाई लिखा। तो पहला कविता आप भक्ति में लिखे हैं या किस रस के कविता? पहली कविता में। अच्छा, भक्ति। तो उनका कम से कम दो लाइन सुनाइए एक बार। आजादी बना हुआ यह प्रश्न घोरा, वीर शहीदों की कुर्बानी कौन करेगा इसको पूरा? यश प्रश्न है सदियों से, यक्ष प्रश्न है सदियों से, इतिहास दोहराए जाते हैं, समर भूमि के वेदी पर असहस प्राण चढ़ाए जाते हैं। गौरव गाथा बलिदान की और प्रकृति की यह लीला है, त्रेता द्वापर हो या कलयुग, हर युग में यह भूल जाए। और इसकी बहुत बेहतरीन लाइन है, आदिकाल की वह नीति थी, आदिकाल की वह नीति थी, राजा आगे रहते थे, वीर सेनानी राजवंश के जीवन अर्पण करते थे। पूछ रहा है यक्ष लाकर, पूछ रहा है यक्ष लाकर, अब क्यों नहीं ऐसा होता है? पूछ रहा है यक्ष लाकर, अब क्यों नहीं ऐसा होता है? राज नेता का दुलारा सीमा पर क्यों नहीं है? आपका लिखा हुआ कोई ऐसा कविता जो सबसे ज्यादा आपके दिल को छूता हो? जैसे कि एक माता पिता से उसको पूछ ले आपके कौन सी संतान ज्यादा प्रिय है, तो उसे माना जाए मेरी लिए कुछ होता है, मुझे सभी कामना। लेकिन उसमें से जो कुछ खास खास कविता ये है, युग पुरुष मोती, ये मेरी पुस्तक का नाम और वही कविता सबसे सबसे ज्यादा ही रहा। धन्यवाद दर्शकों। तो अभी आप देख रहे थे एक कवि जिनका आपने कविता सुना, और इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।